सो हेलो एवरीवन, दिस इज समी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो है केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज देखा था, जिसमें जो है मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे चैप्टर्स के बताए थे कि आपको जो है केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है सीटी एग्जाम के लिए, एंड सीटी एग्जाम में जो है कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जो है लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाके वीडियो चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स को कवर करने वाले, मैथ्स का टोटल चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले, एंड आपको जो है कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो है सीटी एग्जाम में मैथ्स में 100 में से 80 प्लस आप जो है स्कोर कर सको। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एमएसटी सीटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, एमएसटी सीटी से रिलेटेड सारे वीडियोस जो है इस चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे, एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। तो चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स के सारे चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं, एज वेल एज सिलेबस। सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि 12th का आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है, 11th के जो है 9 to 10 चैप्टर्स आपके आने वाले 11th के। तो 12th के पहले हम लोग जो है चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है दैट इज लॉजिक। लॉजिक की में से जो है दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड अब ये दो क्वेश्चन जो है कौन कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। एक जो है आपको कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करने को आ जाएगा, देन सेकेंड जो है डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये जो दो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। अभी जो जो मैंने टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। राइजिंग एजुकेशन की ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है मैट्राइजेस। मैट्राइजेस के जो है दो क्वेश्चंस आते हैं, एक जो है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, देन दूसरा जो है प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें जो है मैट्राइजेस चैप्टर्स के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, यहां पे बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं। आप प्रॉपर्टीज जो है आपको देखने को मिल जाएंगे YouTube पे, आप जो है मैट्राइजेस के सारे प्रॉपर्टीज देख सकते हो। टोटल 7 to 8 प्रॉपर्टीज है, वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर हम 11th और 12th दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करते हैं, 11th में से भी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड आने वाला है आपका, एंड इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टोटल आपको जो है मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर। ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, आपको सबसे पहले इसी को प्रिपेयर कर लेना है। मैथ्स 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहला जो है आपका पोलार कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आएगा, देन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आएगा। ये बहुत इजी इजी टॉपिक्स है, आप जो है इसको बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लोगे। देन उसके बाद सॉल्विंग ट्रायंगल के ऊपर आएगा, आपको जो है कोसाइन रूल, साइन रूल जो है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ऐसे जो है इक्वेशंस आपको यूज होंगे सॉल्विंग ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में। तो साइन रूल, कोसाइन रूल ये सब अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्शन रूल अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आपको वैल्यूज फाइंड करने को आएगी। आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई रहेगी, एंड वहां से जो है आपको साइन एक्स, साइन अल्फा, साइन बीटा इसकी वैल्यूज आपको फाइंड करने को आएगा, या फिर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करने को आएगी। देन लास्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है मैथ्स 1 में। देन उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से जो है आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है कंबाइंड इक्वेशन के ऊपर आएगा। देन उसके बाद जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जो है आपका tan थीटा के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, तो ये इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वेक्टर्स। वेक्टर में से जो है आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेक्टर्स भी जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ये तीन चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ऑलमोस्ट आपको जो है 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दो चैप्टर में से। वेक्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, लाइन एंड प्लेन में से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो आपको टोटल ऐसे 6 to 7 क्वेश्चंस ये दो चैप्टर में से ही देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये तीन चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी इसमें से 6 to 7 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक से 6 to 7 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपके दो
तीन चैप्टर आपके अच्छे से प्रिपेयर होते हो तो अगर आपके 7-7 अगर देखा जाए तो 14 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। 14 × 2 करोगे तो 28 मार्क्स जो आपके विद इन 4 चैप्टर्स आपके 28 मार्क्स कवर हो जाते। इसी को जो है स्मार्टली प्रिपेरेशन कहते हैं कि आपको जो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करना है ताकि आप जो एक सेफ स्कोर तक इजिली स्कोर कर सको एमएसटी एग्जाम में। तो ऐसे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है पहले उसी को प्रिपेयर करो एंड अगर वो सारे चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो गए तो आप जो है बाद में जो जो छोटे मोटे चैप्टर्स है वो इजिली प्रिपेयर कर लोगे। इसमें जो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ये सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे ये तीन चार चैप्टर में से। नेक्स्ट जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, एक या दो, वो भी सिंपल होता है। देन उसके बाद जो है लाइन एंड प्लेन का हम लोग ने नहीं डिस्कस किया। लाइन एंड प्लेन जो है लाइन एंड प्लेन में से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन के ऊपर आएगा, देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। देन फाइंड फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, इसके ऊपर तो एक पूरी एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप आपको आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि फाइंड फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ अ प्लेन, देन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना के जो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, विश्वास बैच के अंदर जो आपको सारे के सारे फ्री स्टडी मटेरियल वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन, अभी मैथ्स 2 में जो है कैलकुलस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स आते हैं, अगर आप 7 से 8 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो सीटी एग्जाम में आप जो है इजीली 35 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में से आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से करना है, देन उसके बाद 1.2 डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आपको दिए जाएंगे, उसके डेरिवेटिव्स आपको फाइंड करने होंगे, देन उसके बाद सॉल्व एग्जांपल। अब ये पेज नंबर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप जरूर मेंशन कर ली, आप लिख लीजिए कहीं पे, नोट डाउन कर लीजिए, 23 to 28, पेज नंबर 23 to 28 सॉल्व एग्जांपल आपको जो है अच्छे से देखना है। देन लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे सीटी एग्जाम में, देन डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ऐसे 5 टॉपिक के क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन में से हमेशा आपको जो है सीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो है सब इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से स्लोप एंड टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, देन उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम 2.1 एक्सरसाइज आपको पूरी अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तीन टॉपिक में से जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से क्वेश्चन आएंगे। देन हमारा थर्ड जो चैप्टर आता है मैथ्स 2 में वो है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद बाय पार्ट्स वाला जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला, देन उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, देन सॉल्व एग्जांपल आपको करना है 115 से लेके 121 पेज पे जितने भी सारे सॉल्व एग्जांपल है वो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसमें जो है 3 से 4 टाइप्स वाले क्वेश्चन जो है बाय पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। देन उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से कर लेना है, बिकॉज वहां पे जो है बहुत सारे शॉर्टकट यूज होते हैं। अब वो शॉर्टकट्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे टोटल 6 to 7 प्रॉपर्टीज है, वो 6 to 7 प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जाना है डेफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन में, एंड एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से करके जाना है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में एक ही एक्सरसाइज है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सॉल्व एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने को आएगा एक क्वेश्चन, देन उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आपको जो है आएंगे एक्सरसाइज 6.2 से, देन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से जो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक्सरसाइज 6.6 जो की वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है सीटी एग्जाम में, सॉल्व एग्जाम्पल प्लस वर्ड प्रॉब्लम 6.6 के, इसको जो अच्छे से करके जाने। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको जो है सॉल्व एग्जाम्पल एक बार अच्छे से देख लेना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 7.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना है, एंड वन वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से करना है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरियंस ये छोटे चैप्टर्स है तो आप इजिली प्रिपेयर कर ही लोगे। तो यहाँ पे 11th के चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है, सर्कल आने वाला है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आने वाला है, प्रोबेबिलिटी आने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सारे चैप्टर्स आपके 11th में से आने वाले। अभी यहाँ पे मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप जो है पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। 12th का आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का,
तब जाके आप ये 11th के चैप्टर्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसमें से जो है मोस्टली 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन का जो है वेटेज 20 होने वाला है। अब ये सारे चैप्टर्स को आपको स्किप करना नहीं है, आपके ये जो 20 मार्क्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले जो है 12th का सिलेबस कवर कीजिए, देन उसके बाद आप 11th के सिलेबस पे आइए। अब जब 12th का सिलेबस कवर करोगे तो 16 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है 80 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे आपको जो है 10 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है सिर्फ 20 मार्क्स के लिए। तो जहां पे ज्यादा वेटेज है पहले वो सिलेबस आपको कवर करना है, एंड उसमें से भी कौन कौन से चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करना है मैंने आपको हिंट दे दिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है तो आप जो है इजीली डिसाइड कर लोगे। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।